श्री माता वैष्णो देवी कटरा में आपका स्वागत है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग शर्मा। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कटरा पहुंच सकते हैं, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, कहां पर स्टे करना है, यात्रा पर्ची कैसे लेनी है, सारी डिटेल्स देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि कटरा आपको पहुंचना कैसे है। चंडीगढ़, दिल्ली और भी बहुत सारी सिटीज से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी कटरा के लिए। इन केस आपकी सिटी से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप जम्मू पहुंचकर वहां से कटरा पहुंच सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब आप जम्मू को क्रॉस करेंगे तो आपके मोबाइल नेटवर्क्स चले जाएंगे, तो आप पीसीओ या फिर होटल के वाईफाई से अपने फैमिली मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपना रूम, और ये है एक बेड, एक यहाँ दूसरा बेड है। मैंने फैमिली रूम लिया था तो फैमिली रूम में दो बेड होते हैं, और यहाँ पर आ गया हमारा वॉशरूम, काफी बड़ा है और स्पेशियस है। और ये है टीवी जो हम लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करी है, और यहाँ पर एक और वॉशरूम है ये छोटा सा। तो रूम तो काफी बढ़िया है, काफी स्पेशियस है, और ये रूम मुझे पड़ा है 1500 रुपीज का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास में है। गाइज, होटल का नाम है होटल देवी एम्पायर, और ये कटरा रेलवे स्टेशन के पास में है। जब कभी भी आप माता जी के दर्शन करने आए तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टे है और काफ़ी अच्छी सर्विस है, मतलब बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है वहाँ पर, तो आप लोग भी वहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सिंपली आप अपना नाम और पिन कोड बताकर RFID कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। कार्ड जनरेट होने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। जय माता दी। वे टू भवन बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपकी चेकिंग होने के बाद वहां से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। फाइनली हम लोग की ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है, और ट्रैक स्टार्ट होते ही हम लोग को एक बात समझ में आ गई है कि प्रसाद या कोई भी सामान जब भी आप खरीदते हैं तो नीचे से मत परचेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगाते हैं। आप जब ऊपर आएंगे जितना भी सामान है वो सब आपको ऊपर मिल जाएगा, और वो भी कम प्राइस में। तो ये गलती आप मत करना, सामान जो भी है, चुनरी है या प्रसाद है, वो आप ऊपर आके लीजिए, नीचे से मत परचेज करके आइए। बाणगंगा हमें मिल चुकी है, वो रही, शायद आप लोग को कैमरे में नहीं दिख रही होगी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा वहाँ पर। बाणगंगा में आपको बहुत सारे बाथिंग घाट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्लॉक रूम भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना कुछ सामान सबमिट करा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे फोटोशॉप्स देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहां पर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और अगर आपको यात्रा घोड़े या खच्चर से करनी है तो लगभग 1250 रुपए आपको देने होते हैं। जगह जगह पर आपको मेडिकल यूनिट की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी, और टॉयलेट भी मिल जाएंगे, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूरे रास्ते में शेड्स और लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो आप रात में भी यात्रा कर सकते हैं। और जगह जगह आपको खाने पीने के भी स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। लगभग 5 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अभी बहुत बचा भी है। गाइज, आपको जगह जगह पीने का पानी, टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी। ट्रैक करने के लिए आप स्टिक भी ले सकते हैं, 10 रुपीज की आपको मिलेगी, और लौटते टाइम जब आप इसे रिटर्न करेंगे तो 5 रुपीज़ आपके रिटर्न हो जाएंगे। दैट मीन्स
सिर्फ 5 रुपए की पड़ी। यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की होती है। जब आप आधी यात्रा कर लेंगे तो आपको 2 मार्ग मिलेंगे, भवन वीआई हिमकोटी मार्ग और भवन वीआई हाथी माथा मार्ग। हाथी माथा मार्ग में पहले आपको अर्धकुंवारी मिलेगा और उसके बाद भवन मिलेगा, जबकि हिमकोटी मार्ग में आपको डायरेक्ट भवन मिल जाएगा। रात में अर्धकुंवारी बंद था इसलिए मैंने हिमकोटी मार्ग को चूज किया। हिमकोटी मार्ग में आपको छोटा हाथी की भी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ दिन में ही देखने को मिलेगी। गाइस अभी काफी रास्ता बचा हुआ है, हम लोग को उतनी दूर जाना है। अभी भी अप्रोक्स 4 किलोमीटर बचा है और टाइम हो रहा है 2:50। आज हम लोग, अरे अभी लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे और लगेंगे। 4 बजे तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे, 4:30 बजे तक हम लोग भवन पहुंच जाएंगे और फिर लौटते वक्त अर्धकुंवारी होके उसके बाद नीचे जाएंगे। और ये देखिए एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे खड़ी है एम्बुलेंस। हालांकि रेस्ट करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो इमरजेंसी सर्विस भी यहां पर अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको जगह जगह वॉशरूम मिल जाएंगे तो आप थोड़ा फ्रेश हो सकते हो। फाइनली हम लोग भवन के पास पहुँच चुके हैं और अंदर कैमरा हो गया और बेल्ट, जूते, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वो सारा सामान हम लोग को लॉकर में रख के उसके बाद दर्शन करने के लिए जाना है और दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो चलते हैं, फिर ये सब जमा कराते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं माता जी के। आप अपना सारा सामान लॉकर में रख कर माता जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाइए, क्योंकि बोला जाता है कि उनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 100 रुपीज पर पर्सन जाने का और वापस आने का। और अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैक होती है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ खाने पीने की। भवन के पास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेट्स भी और गवर्नमेंट वाले भी, तो आप वहाँ पर जाकर फूड को एंजॉय कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको पिट्टू और पालकी के प्रीपेड काउंटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रा कंप्लीट होने के बाद बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपको अपना RFID कार्ड सबमिट कराना होता है। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यात्रा करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा। आप एक दिन में यात्रा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मिनिमम 2 लोग को कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक दिन का होटल का खर्चा हो गया लगभग 750 रुपए और फूड हो गया 500 रुपीज। आप यात्रा के दौरान लंगर में भी खाना खा सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि 1500 से 2000 में आपकी यात्रा हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।